तो रितम ये बताओ, बीइंग इन एक्चुअल प्रोफेशन तुम क्या काम करते हो? तो तुम्हें लाइफ एक्चुअली बनना है, राइट? एंड कोई भी क्लास 12 का बच्चा आता है, स्टूडेंट आता है, तुमको बोलता है कि मेरे को भी लाइफ एक्चुअली बनना है, बट मैं क्या काम करूंगा या करूंगी ये बताओ, तो तुम उनको क्या बोलोगे इन अ वेरी इजी लैंग्वेज? तुमने क्या किया है, क्या करते हो, क्या होता है? चलो मैं बड़ा बड़े टर्म्स यूज़ नहीं करूंगा. सो लेट्स अज्यूम अ पर्सन इज बाइंग अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? वो कंपनी में आता है, वो पैसा देता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है. तो इस पूरे साइकिल में एक्चुअली क्या क्या करता है, सो कितना प्रीमियम देगा, दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय एन एक्चुअली सिटिंग एट द ऑफिस. ओके, दैट वर्क इज नोन एज प्राइसिंग. सो वो एक मेजर चंक है. एंड जो प्रीमियम दे रहा है वो इन दिस इंटायर पॉलिसी कैसे कैसे यूज होगा, कितने उसमें एक्सपेंस कटेंगे, किसने उसको कितना उसको इन्वेस्टमेंट करना है उसके उसके बेसिस पे. तो ये पूरा चीज़ जो होता है ना वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक्चुअली करता है, रिवॉल्विंग अराउंड प्राइसिंग. तो ये हो गया. नाउ जो आदमी खरीदा पॉलिसी वो कुछ सालों बाद क्लेम करेगा फॉर सम इवेंट, तो क्लेम करने पे कितना उसको पे आउट मिलेगा, जो पे आउट है उसमें कितना सपोज उसको रिटर्न मिल रहा है, कितना बोनस मिल रहा है, ये जो पूरा कैलकुलेशन है ना, दिस एंटायर वर्किंग बिहाइंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज बीइंग डन बाय द एक्चुअरी. तुम्हारा सेल्स वाला बंदा नहीं कर रहा है ये, ठीक है? तो ये हो गया. एंड हाउ टू मैनेज दिस एंटायर liabilities of an insurance company, that reserving element, वो भी एक life insurance company, वो भी एक actually करता है. How to hedge your liabilities, how to hedge your liabilities with your assets, तो asset liability matching, वो भी एक major chunk है. And कोई भी insurance company हो, कोई भी company हो ना, वो report करते हैं अपने profits को, वो report करते हैं अपने shareholders को, अपने regulators को. तो ये जो पूरा reporting template है, जो भी numbers crunching है, to analyze the movements in numbers, everything, जो पूरा financial health है of an insurance company, actually is the driver of this entire engine. वही देखता है कि मेरा पिछले साल से अब तक valuation में मेरा liabilities में कितना impact हुआ, वो उसका movement justify करो, कितना profit earn हुआ. And profit जो है ना एक life insurance company के लिए बहुत complicated figure होता है. It's not like मैं 10 रुपये का सामान 20 रुपये में बेचा तो 10 रुपये का मेरे को profit मिल गया, ऐसा नहीं है. तो दिस प्रॉफिट कैलकुलेशन, हाउ टू ट्रीट प्रॉफिट्स, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट्स टू दी पॉलिसी होल्डर, टू द शेयर होल्डर्स, ये सारे जो डिसीजन होते हैं ना, ये जो मैं बोलूँगा डिफिकल्ट ग्रे एरियाज रहते हैं, वहाँ पे जजमेंट आता है. दिस जजमेंट, एक्चुअल जजमेंट हम लोग लाते हैं. सो यही सब काम है. एंड वन मोर थिंग, द मॉडल, जो मॉडल है, जो एक प्रोडक्ट जिसमें मॉडल रन करता है, सपोज उस आदमी ने टर्म इंश्योरेंस खरीदा है, ठीक है? वो टर्म इंश्योरेंस कैसे प्रोजेक्शंस लाएगा अपने मॉडल में, कैसे अपने कैश फ्लो प्रोजेक्ट करेगा, दिस इंटायर रनिंग द मॉडल, बिल्डिंग अ मॉडल, दिस इंटायर थिंग इज बीइंग डन बाय एन एक्चुअरी. करेक्ट. तो ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जनरली और भी, बट हाँ, अगर किसी को एकदम जानना है, क्लास 12 के बच्चे को, कि लाइफ इंश्योरेंस में अगर मैं जाऊँ तो मैं क्या काम करना है, उसको वो सारे काम करने पड़ेंगे जिसके बिना एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रन ही नहीं कर सकती. सो वी आर दी ब्लड लाइन, हम लोग के बिना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कांट रन. So expect a broad outlook of work, different exposures, but काम बहुत अच्छा है, ये बोलूँगा. काम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो और मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली मेरा जो क्लाइंट है ना वो UK में, ठीक है? तो उसका अलग रेगुलेशन है, वो सॉल्वेंसी 2 के अंदर आता है. तो वी अपना जो टीम है, दैट इज़ द इंटायर टीम फॉर दैट क्लाइंट, उसका खुद का कोई एक्चुअली नहीं है. सो हम लोग उसे सब कुछ करते हैं, हम लोग उसे रिजर्विंग करते हैं, हम लोग उसे वैल्यूएशन करते हैं, प्राइसिंग तो अब तक किया नहीं है, बट टीम में बहुत जन कर रखे हैं. एंड मॉडलिंग करते हैं उसके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो भी लॉन्च करेगा, पाइपलाइन में है, उसका मॉडल मैंने बनाया, एक यूनिट लिंक प्रोडक्ट का मॉडल मैंने बनाया. सो ऐसे टाइप काम करता हूँ मैं. एंड मैंने और एक क्लाइंट था, जैसे एक ताइवान एक कंट्री है, वो उसका एक क्लाइंट था जिसका जो मॉडल था ना उसमें री इंश्योरेंस नहीं था. अच्छा. उसको री इंश्योरेंस के सारे कैश फ्लोज क्रिएट करने थे, तो वो भी मॉडलिंग वाले काम मैंने किए. सो ऐसे टाइप काम मैंने कर रखे, बट कंसल्टेंसी में ऐसा होता है कि ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है इन दिस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. बट अगर किसी को लाइफ इंश्योरेंस में काम करना है ना, उसको एक अपना माइंड से रखना है कि मेजरली चार ही होते हैं एरियाज़, एक प्राइसिंग होता है, वैल्यूएशन होता है, एक मॉडलिंग होता है, रिपोर्टिंग होता है. तो इन चारों एरियाज़ में आपको बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, तो ऐसा टाइप का आप व्यू रखिए. एंड ये एज आई सेड, काम बहुत अच्छा है. ठीक है, काम बहुत अच्छा है. काम बहुत अच्छा है.